बताइए कि आप भी अपना राइफल इस तरीके से और पैंट चढ़ा के जा रहे हैं। जी जी सर, इसी तरह अब क्या करें सर, हम लोग बड़ी कष्ट में जिंदगी जी रहे हैं इस थाने में। नाव की व्यवस्था होनी चाहिए। नाव की व्यवस्था तो सर जरूरी है, पर साल भी नाव यहाँ चल रहा था सर, इस साल तो और एगो सर अथी हो गया कि कोरोना से ठीक किया गया हो रहा है हम लोग। बिहार में बाढ़ से हालात किस तरीके के हो गए हैं इसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, और जहां पर मैं खड़ा हूं ये कोई ग्रामीण इलाका नहीं है बल्कि शहरी इलाका है, और अहियापुर थाने पर हम मौजूद हैं। आप यहां तस्वीरें देखिए किस तरीके से शहरी इलाके में मौजूद ये थाना जो है वो टापू में जो है वो तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जो बूढ़ी गंडक नदी का पानी है वो थाने में घर कर चुका है, और ये थाना जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। और आसपास में जो लोग रहते हैं वो आप देख सकते हैं जो किस तरीके से मंदिरों में ऊपर बैठकर जो है वो शरण लिए हुए हैं, क्योंकि इनके घरों में जो है वो पानी पूरी तरीके से जो है वो घुस चुका है। फिलहाल आप देखिए इस तरफ हम जहां हैं अहियापुर थाने के की तस्वीरें देखिए, लोग जो है घुटने घुटने भर तक पानी यहां पर जो है वो भर चुका है, जिसकी वजह से यहां थाने पर जो गाड़ियां लगी रहती हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, वो सब पूरी तरीके से यहां देखिए आधा गाड़ी जो है आधी डूब चुकी हैं। और इस तरफ देखिए जो मोटरसाइकिल्स लगी हुई हैं, सारी की सारी मोटरसाइकिल जो है वो पूरी तरीके से पानी में जो है वो डूब चुकी हैं। आप लोग थाने से ही हैं? नहीं, थाना पर जाना है, बच्चा रात में डेढ़ बजे रात में भाग गया। ओ तो उसको सीसीटीवी कैमरा से चेक करवाना है। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं जो यहाँ लोग आ रहे हैं कुछ शिकायत लेके भी, उनको भी कितनी मुश्किल होती है ऐसे में। कौन सी क्या है मुश्किल? इतना पानी में ये पानी में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी है और इसका कोई उपाय नहीं है। थाना में पानी हेल के सिवा कोई उपाय नहीं है कि थाना में बिना पानी हेले हुए हम लोग पहुँचे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं लोगों को भी जो अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं उनको भी इस तरीके से पानी में घुटने भर पानी में चल के आना पड़ रहा है। गाड़ियाँ पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखिए वो डूबी हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से बिहार में बारिश हो रही है और जो तमाम नदियां हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है, उसकी ही एक यहां पर तस्वीर मुजफ्फरपुर शहर में देख सकते हैं, जहां अहियापुर थाना जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। और इसी तरीके से अगर हालात रहें तो आने वाले दिनों में लोगों को और मुश्किल होगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और मणिभूषण शर्मा के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर।